Hey guys, so here I am with the last part of the UGC NET June 2019 question paper. So guys, मुझे कुछ viewers ने बहुत सारे suggestions provide किए हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनके according काम करूं. गाइज एक्चुअली मैं अभी आज मैंने एक व्यूअर ने आज सजेस्ट किया कि आईपीआर की इम्पोर्टेंट केस लॉज बताने के लिए. गाइज दिस इज माई बेसिक टिप और गाइज इसी तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस पूरे वीडियो के दौरान बताऊंगी. सो ट्राई टू लिसन द वीडियो ऑन अ फुल वॉल्यूम, लाइक विद अ वॉल्यूम, नॉट जस्ट बाई सीइंग द स्लाइड्स, क्योंकि मैं ज्यादातर चीजें बोल रही हूँ. सो वो आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो में ही सुनाई देगा. आप उसे म्यूट करके आप वीडियो अगर देखोगे तो चांसेस है वो आप मिस कर दो. तो मैं ऐसे आपको टिप्स बताते रहूंगी. सो अभी का पहला स्टार्टिंग आज का टिप ये है गाइस, इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन द के इम्पोर्टेंट केस लॉज ऑफ आईपीआर एंड ऑल द अपडेटेड सिलेबस, फोकस ऑन व्हाट लाइक यू कैन फोकस. आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ देख सकते हैं, आप इंटरनेशनल लॉ के केस लॉ देख लो. आईपीआर के केस लॉज को अब इस टाइम पे इम्पोर्टेंट केस लॉज पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आईपीआर के कोई स्टैंडर्ड लाइक सेट पैटर्न नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिलेबस अपडेट लास्ट टाइम ही किया है. सो ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे और उस पे जाने से बेटर है कि आप इस बार आप इसको मिस मतलब स्किप कर सकते हो. सो इफ यू सजेस्ट, लेकिन क्योंकि गाइज अगर मैं ये देखती हूँ कि अगर मैं आईपीआर के इम्पोर्टेंट केस लॉस कवर करूंगी तो आप उतनी देर में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस या आईपीसी के इम्पोर्टेंट केस लॉस बता सकती हूँ. और गाइज एक चीज और, ये तो पहला था. एंड दूसरी चीज ये कि जब आपने एक व्यूअर ने ये भी सजेस्ट किया कि इम्पोर्टेंट केस लॉस के वीडियोज बना दो. सो गाइज मैं सारे क्रैश कोर्स में जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए, सभी वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन थे उसके रिगार्डिंग मैंने इम्पोर्टेंट केस लॉज बताए हैं, अगर आप वीडियो रिवाइंड करके देखोगे. सो फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि इम्पोर्टेंट केस लॉज अपडेट कर दूं. ओके गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही टिप मैं देते रहूंगी पूरे वीडियो में. ओके, द प्रिंसिपल रेस्टोरेंट स्टॉप वेयर रिपेमेंट बिगिंस. गाइज मैंने वही बताया, हर वीडियो में मैं बता रही हूँ कि आपको 20% जो क्वेश्चंस हैं वो आप जब देखोगे, ये हर एग्जाम का पैटर्न होता है. मे बी मेरे साथ इसलिए क्योंकि मैंने नेट का ही पैटर्न देखा है, तो उसमें मैंने ये चीज देखी है, लाइक 20% वो क्वेश्चन आउट ऑफ द लीक पूछेंगे. ऑल्दो सिलेबस से होगा, कंटेंट से होगा, लेकिन वो कभी भी रैंडमली जस्ट पूछने हैं, तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है. लाइक यू डोंट हैव टू पे मच अटेंशन, लेकिन स्टिल क्वेश्चन आया है तो मैंने प्रोवाइड किया है आपको. सो गाइज इसका आंसर, ये एक फ्रेज है गाइज, फ्रेज नहीं मतलब एक स्टेटमेंट लाइक होती है, तो उसको एक छोटे से टर्म में क्या कहते हैं. ओके गाइज सेकंड क्वेश्चन, ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है गाइज, कंसिडरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा. आप लाइक 101% चांसेस है कि कंसिडरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली. सो कंसिडरेशन का जो पार्ट है लाइक आप ये देख लो कि कंसिडरेशन का जो कंडीशन है, जैसे मैंने एक्सेप्टेंस वाला कंडीशन बताया था, सो उसी तरीके से आप कंसिडरेशन वाले कंडीशन एंड ऑल दैट वो देख लो. लेकिन कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, लाइक आपको एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जितने एसेंशियल्स हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही. सो इसका आंसर गाइज, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर आप ये देखोगे, ये क्वेश्चन गाइज आपको अगर रिमेम्बर होगा, आपने सिलेबस सही से एनालाइज किया है, तो एक टॉपिक है पोस्ट मॉडर्निज्म. आपने अगर सही से उसे एनालाइज किया है सिलेबस, उसमें एक अपडेटेड टॉपिक है पोस्ट मॉडर्निज्म. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने भी इससे कोई कंटेंट नहीं किया था, इट्स जस्ट एक चांस लेके लेने वाला, क्योंकि मैं इस पर बिल्कुल भी मैंने पढ़ाई नहीं की थी. लाइक पोस्ट मॉडर्निज्म मैंने टच भी नहीं किया था, लाइक व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. सो आई वुड सजेस्ट अगर आपने पढ़ लिया है देन इट्स ओके, अगर नहीं पढ़ा है देन डोंट गो फॉर इट. ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गाइज ये अगेन क्वेश्चन आपको केस लॉ से रिलेटेड है एंड कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉ से रिलेटेड है. और गाइज स्क्रीन पे SS धानोआ, TN सेशा, ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक आपको आप देख लो, जैसे मैं बता रही हूँ कि जब आप
बोल रहे हो कि मुझे इम्पोर्टेंट केस लॉज चाहिए, तो मैं वही केस लॉज आपको बताते जाऊँ, रादर देन प्रोवाइडिंग अ वन सेपरेट वीडियो ऑफ दैट इम्पोर्टेंट केस लॉज, मैं साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताते जा रही हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं. सो एस एस धानवा एंड टी एन शेषांत देख लीजिएगा. सो गाइस इसका आंसर, ओके गाइस रिमेंबर गाइस यूजीसी नेट ने इसका आंसर निल कर दिया था क्योंकि उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी. मतलब जो भी अब हुआ हो तो पहले में फर्स्ट टाइम उन्होंने टीएन सेशा पे ऑप्शन दिया था, नेक्स्ट टाइम में उन्होंने निल कर दिया था इस क्वेश्चन को. और गाइस ये जो क्वेश्चन निल होते हैं जब एग्जाम जब आंसर की प्रोवाइड होती है तो इसके आंसर इसके मार्क्स सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं, इररेस्पेक्टिव आपने वो क्वेश्चन किया है नहीं किया है सही गलत उससे नहीं, वो क्वेश्चन वहीं पर निल हो जाता है, उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं. लेकिन गाइस मैंने जो बोला कि एस एस धानवा एंड टीएन सेशा केस देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट केस लॉ है. चंद्रा वर्सेस सुरेश, गाइस ये पर्सनल लॉ का अगर आप बोलो, पर्सनल लॉ में भी दो डिवाइडेड है, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ. हिंदू लॉ का ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, ऑल्दो नॉट सो मच रिलेवेंट, बट मैंने ये देखा है चंद्रा वर्सेस सुरेश के केस जनरली सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक पूछा गया है, वो किसी भी फॉर्म में पूछा गया है, लेकिन चंद्रा वर्सेस सुरेश का केस हुआ तो आई सी मतलब आई एम लुकिंग इट एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैं अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखूं तो उसमें भी चंद्रा वर्सेस सुरेश कुमार का है, तो आप एक बार देख लेना. वैसे तो यहाँ पे इस आंसर के थ्रू आपको ये मिल ही जाएगा कि ये किस फैक्ट से रिलेटेड है, इसका फैक्ट क्या है. सो गाइस इसका आंसर, ओके, डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन. बट आई थिंक गाइस चंद्रा वर्सेस सुरेश कुमार आप एक बार देख लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा वही मैंने जो बताए थे इंटरनेशनल लॉ वगैरह में कि आप ये देख लेना कि किस जज ने इसे प्रोनाउंस किया है, एंड ये तो पता चल गया कि आपको किस ईयर में है, एंड तो आपका यहाँ पे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, बस थोड़ा सा एक बार जज का देख लेना और स्टेटमेंट्स देख लेना, और अदरवाइज अगर नहीं भी देखना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन चंद्रा वर्सेस सुरेश कुमार वैसे ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा क्योंकि नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट. ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके गाइज ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ये आईपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आपको मैं बताती हूँ ट्रेडमार्क पेटेंट से रिलेटेड जब चीजें होती है उसमें 4 to 5 इंडिकेटर्स होते हैं, तो लाइक रेलेवेंट हो तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. ऑल्दो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने ये क्वेश्चन या ये कंटेंट ही नहीं कवर किया था अपनी तैयारी में, बस चांस के साथ ऑप्शन टिक किया. सो मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपने पढ़ लिया है देन इट्स ओके, नहीं पढ़ा है देन डोंट गो फॉर इट, ये उन्हीं 20% क्वेश्चंस में से है. सो इसका आंसर गाइस, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, गाइस ये प्रिटी सिंपल है लेकिन फिर भी अगर आपको सेक्शन के बारे में नहीं पता है चीजें नहीं, और गाइस आईपीसी में मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दोबारा आएगा क्योंकि आईपीसी मैं अगर 2012 से क्वेश्चन पेपर पिक करती हूँ तो 4 times सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो आई एम लुकिंग दिस एज अ वेरी नॉट सो मच बट इम्पॉर्टेंट. सो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की एक बार लाइक सेक्शन एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल बस सेक्शन आप रिमेंबर रखना, चांसेस है कि सेक्शन से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे. सो इसका आंसर गाइज 73 गाइस आई स्टिल रिमेम्बर लाइक मैंने जिस तरीके से मैंने जिस स्ट्रेटजी से मैंने पढ़ाई की थी. सो आई एम लुकिंग दिस क्वेश्चन आफ्टर आई थिंक जून एग्जाम लाइक अराउंड 4 to 5 months एंड स्टिल मेरे को आंसर मतलब रिमेम्बर है, ऑल्दो मैंने स्क्रीनशॉट से आंसर प्रोवाइड किया है, लाइक मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दी जल्दी में कि किसका आंसर क्या है, लेकिन मैं इसे देख के ही मैंने आंसर रिमेम्बर कर लिया था. तो गाइज ये होती है स्मार्ट जब आप स्ट्रेटजी और ट्रिक्स से आप तैयारी करते हो, सो आपको वो क्वेश्चन लाइफ में कहीं भी दिखेगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपको उसका आंसर पता होगा. सो सिर्फ रिमेंबर करने से आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा, गो बिहाइंड द लॉजिक एंड इफ यू कांट यूज द लॉजिक यूज द ट्रिक्स. सो ये किसी भी प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की थोड़ी सी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी कह सकते हैं. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, प्रिटी इजी क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ बींग अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक लॉ स्टूडेंट ये तो बहुत ही ईजी है.
फिर भी स्टिल मैं आंसर इसका बता ही देती हूँ, आर्टिकल 14 है गाइस. या सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन गाइस ये भी आपको आईपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है. अब वही मैंने बताया, ऑल्दो ये क्वेश्चन मैं बताई, मैंने आईपीआर बिल्कुल भी टच नहीं किया था. एंड मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे आज एक व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया कि आईपीआर के इम्पोर्टेंट केस लॉज, गाइस फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने आईपीआर टच भी नहीं किया था. मैंने लिटरली उसमें से कुछ भी नहीं देखा था, लाइक नॉट इवन अ सिंगल केस लॉ. मैंने हाँ केस लॉ उसमें दो से तीन क्या देखे थे, जब हमने जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रही थी तो मैंने क्लैट या दूसरे एग्जाम्स की जब सॉल्व कर रही थी तो उसमें मैंने बस देखा था कुछ केस लॉस. अदरवाइज मैंने आईपीआर नेट के लिए मैंने टच नहीं किया था, क्योंकि आई डोंट मतलब ये हो सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं था, लाइक आई वॉज शॉर्ट ऑफ टाइम. मैंने बहुत लेट स्टार्ट भी की थी तैयारी, सो इस वजह से मैंने आईपीआर बिल्कुल टच नहीं किया था. सो अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो मैं यही कह सकती हूँ कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. स्टिल अगर आपने आईपीआर कंप्लीट नहीं किया है, नहीं टच किया है, then don't go for it. So ये IPR से related question है, ये answer. So next question, guys ये Constitution of India से related question है and governor like इसमें आपको अगर case law देखो, मैं case law बता देती हूँ यहीं पे. A.K. Roy, K.M. Nanavati and D.S. Wadhwa. अगर हम priority wise देखें तो A.K. Roy first, के नानावती सेकंड एंड डीएस वाधवा रिजल्ट थर्ड. तो ये केस की प्रायोरिटी बेसिस पे हम आपको इंपॉर्टेंट केस लॉज मैं ये बता रही हूं कि ये तीनों हैं, एक बार देख लेना गाइस, छोड़ना नहीं इसे. क्योंकि अगर आपको इंपॉर्टेंट केस लॉ से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन इस केस को आप छोड़ना नहीं. ए के रॉय, नानावती एंड डीएस वाधवा, कोशिश करना कि ए के रॉय एंड नानावती आप कवर कर लो. और गाइस मैंने एक चीज आपको बताई, अच्छा पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ. This one. Okay, guys, अगर आप देखो तो के एम नानावती आईपीसी से आपको रिमेम्बर होगा तो आईपीसी में ये क्वेश्चन आया था, लाइक आईपीसी एंड एविडेंस लाइक बेनिफिट ऑफ डाउट ये सब. मैंने आपको एक वीडियोस में कई बार बताया है कि इंडियन केस लॉज जो है वो आपस में काफी इंटर रिलेटेड है. लाइक अगर इफ यू सी एनी क्वेश्चन इन आईपीसी देन यू विल डेफिनेटली लाइक चांसेस है कि आप उस क्वेश्चन को कॉन्स्टिट्यूशन एविडेंस आप हर जगह देखोगे. सेम यहाँ पे भी है, अगर के एम नानावती का ये केस है, अगर आपको ये आईपीसी में आप देखोगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी कवर किया गया, और आप अगर इस लाइन को पढ़ोगे तो ये डिटेल में जाएगा, ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा केस से रिलेटेड. ओके गाइस, के एम नानावती एंड ए के रॉय बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बिल्कुल मत मिस करना. गाइस अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो आपको याद होगा, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस फिर से पूरे पूरे देखे हैं तो ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एक ईयर में आ चुका है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड है, ऑल्दो तब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अलग से क्वेश्चन कंटेंट था एक, और इस बार उन्होंने मर्ज कर दिया है. ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इस पे थोड़ा सा लाइक बहुत ज्यादा हेट इवन क्राई हुआ था कि सीपीसी से क्वेश्चन क्यों या सीपीसी से क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सीपीसी तो कंटेंट में नहीं है, सिलेबस में नहीं है. अब वही बात हो सकती है गाइस कि जो 20% मैं कह रही हूँ तो मे भी चांसेस है इस टाइप के भी क्वेश्चन आए. ऑल्दो ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये फैमिली लॉ से रिलेटेड भी है और फैमिली लॉ से ही रिलेटेड है, लेकिन उसका सीपीसी में प्रोविजन दिया तो इन्हें पूछना नहीं चाहिए था सीपीसी का. ऑल्दो अगर हम क्लेम करते वहां पे कि व्हाई यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ सीपीसी देन दे वुड हैव प्रोवाइडेड द आंसर, वो ये कह सकते थे कि इसका कनेक्शन पर्सनल लॉ से है, तो हम वहां पे कुछ कर नहीं सकते थे. तो 20% क्वेश्चन इस टाइप के भी आएंगे गाइज, सो बी प्रिपेयर्ड कि आप एकदम मेंटली प्रिपेयर रहो कि क्वेश्चन इस टाइप के भी आएंगे 20%, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है गाइस. ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वही ये गाइस कंपनीज एक्ट को अभी उन्होंने कमर्शियल लॉ में जैसे बताया, कमर्शियल लॉ में सब कुछ मर्ज कर दिया तो एक एक क्वेश्चन. एंड मैंने वही चीज बताई, पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है तो पार्टनरशिप बिसाइड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो इंपॉर्टेंट है ही,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा पार्टनरशिप एंड छोटे छोटे पार्टनरशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीजें वो देख लोगे तो सही है, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट. अब बिल्कुल भी नया कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है. सो गाइस इसका आंसर ओके. अच्छा गाइस ये क्वेश्चन आप जॉट डाउन कर लो, नोट कर लो, रेडमार्क कर लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. अब आप बोलोगे कि कैसे आएगा ये क्वेश्चन, हर लाइक हर एग्जाम में, हर यूजीसी नेट के पेपर में, वन एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, मतलब एक एक साल दो दो साल पे ये क्वेश्चन आया है लाइक. तो ये चांसेस है कि ये क्वेश्चन अगर ये नहीं आया, इस टाइप का नहीं आया, लेकिन इससे हल्का सा डेविएट कर देगा, लेकिन साफिंडा रिलेशनशिप से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, क्योंकि साफिंडा रिलेशनशिप का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा. यहाँ पे डायरेक्टली डिग्रीज पूछी है, कई जगह पे मैच द फॉलोइंग होगा, कहीं पे एजर्शन रीजनिंग होगी. सो साफिंडा रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लो, रिमेम्बर कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इससे बिल्कुल मत छोड़ोगा. सो इसका आंसर गाइज, और गाइज यहाँ पे थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो गलत हो सकता है. 3 degree, 4 degree, 5 degree, 7 degree, देन अगेन 2 degree, 3 degree, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट स्टिल अगर आप बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो ऐसे प्रॉब्लम्स कितने भी आए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से उसे सॉल्व कर लोगे. सो इसका आंसर गाइज ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगेन आपको आईपीसी से है, और मैंने आईपीसी में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था, कल्पेबल होमिसाइड एंड कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, रेप, एबडक्शन, किडनैपिंग, और ये पांच बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी पांच में से एक टॉपिक है. ओके गाइस इसका आंसर ओके. यहाँ पे देखोगे आप मिसकैरेज की बात की है, लेकिन मिसकैरेज का अलग सेक्शन प्रोवाइडेड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप पढ़ने की कोशिश करो तो इन्होंने कल्पेबल होमिसाइड भी कवर करने की कोशिश की थी. मतलब यहाँ पे अगर इलस्ट्रेशन देखोगे तो ये मिसकैरेज का था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग जब फर्स्ट टाइम आंसर प्रोवाइड किया था तो इन्होंने कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि ज्यादातर ये कल्पेबल होमिसाइड पे ही अगर आप देखोगे तो जा रहा था, लेकिन फिर एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन ये मिसगैरेज का था. ओके गाइस, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट कंटेन्स हाउ मेनी शेड्यूल, इवन आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन एंड नेवर अबाउट द आंसर. तो गाइस ये वही क्वेश्चन है जिसको मैंने टच भी नहीं किया था, जो कंटेंट भी मैंने टच नहीं किया था, बस ट्रिक वही है चांस लेने वाला. गाइस एक चीज मैं सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो एक टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज 20% ऑफ क्वेश्चंस, इन 20% ऑफ क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, इसकी भी एक ट्रिक है, जिससे कि आपके चांसेस हो कि 60% उन 20% का भी 60% आप सही करके आओ. 60% मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप उससे ज्यादा करो, बट 60% जब प्रोबेबिलिटी वाले पे रहता है तो 60% में ही मैं बोल सकती हूँ. इसका सबसे बेसिक ट्रिक ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जब आप इस टाइप के एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते हो तो अब आप साइकोलॉजी कह लीजिए या क्या, तो आप आंसर देखोगे आपको फर्स्ट टाइम में जो आंसर स्ट्राइक करता है, इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन, इफ यू डोंट नो द आंसर, फर्स्ट टाइम जो आपको आंसर स्ट्राइक करता है गो फॉर इट. ज्यादा वहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट आपको स्ट्राइक करेगा उसमें लाइक 60% में बता रही हूँ चांसेस रहते हैं कि वो आंसर सही रहता है. तो ये ट्रिप है, ये साइकोलॉजी भी कह सकते हैं या गॉड नोस, बट ये मैंने आजमाया था एंड जहां पे चांसेस जो 20% वाले थे वहां पे मैंने ये इस्तेमाल किया था एंड टचवुड वो सारे काम कर गए. वही बताया 60% काम किए, नॉट 100% गाइज, तो 60% काम किए वो. सो इसका आंसर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये आपको साइबर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड केस है गाइस. वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी मैं फ्रेंकली बता रही हूँ, मैंने इसे भी टच नहीं किया था, ये टॉपिक ही मैंने नहीं छुआ था. IPR इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया था. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये गाइस एनवायरमेंट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है,
और इस क्वेश्चन में मैं इम्पोर्टेंट केस लॉ बता देती हूँ, टेहरी बांध विरोधी संघर्ष, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा गाइस, एंड उत्कर्ष मंडल, ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। सो गाइस इसका आंसर, ओके सो लास्ट क्वेश्चन, गाइज ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन क्वेश्चन है, लेकिन ये इन्वायरमेंट से भी कनेक्टेड है। सो अगर यहाँ पे ये दोनों चीजें कवर हो जाती है गाइज, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप वो देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी है कि आपको इन्वायरमेंट बचाना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है कि आपको इन्वायरमेंट बचाना है, लाइक स्टेट के ऊपर है कि उसे इन्वायरमेंट को बचाना है। सो इन्वायरमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बात की गई है। सो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और मैंने ये क्वेश्चन आपको बता भी दिया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में है, आप उसे एक बार देख लेना, ये मैंने बताया है, और उसमें कौन इस टाइप का क्वेश्चन था कि दोनों चीजें होंगी, लाइक सेविंग द एनवायरमेंट इज ऑप्शन दे दिया गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, या फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो गाइस इसका आंसर, ओके गाइस, सो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है गाइस। तो मैं अब कोशिश करूंगी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूं, और मॉक टेस्ट के लिए गाइस मुझे और सजेशंस चाहिए कि आप किस टाइप का एक एग्जैक्ट फॉर्मेट चाहते हो, बिकॉज मॉक टेस्ट भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक यू वांट ओनली डेफिनेशंस या यू वांट ओनली केस लॉज, क्योंकि अगर सारी चीजें आप कवर करोगे तो हो सकता है, क्योंकि चांसेस है लाइक 70-80% चांसेस हैं केस लॉज और डेफिनेशन जो ज्यूरिसप्रूडेंस की है। सो इफ यू वांट तो मैं डेफिनेशन प्रोवाइड कर दूंगी और केस लॉज प्रोवाइड कर दूंगी, और अदरवाइज मिक्स मैच, सो इट्स अप टू यू, सजेस्ट मी। एंड गाइज डोंट टेक टेंशन, डोंट पैनिक, इट्स ऑल राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉट द एंड, एकदम रिलैक्स होके आप करो, आप अपना बस 100% दो, रेस्ट आपका ऊपर वाले के हाथ में, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अब ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया तो अब क्या कर पाएंगे। सो दिस इज नॉट द एंड गाइज, मैं वही बोल रही हूँ, डोंट टेक टेंशन किसी भी तरीके की, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है गाइज, क्योंकि मैंने जनरली देखा है इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एस्पिरेंट्स अगर एग्जाम्स नहीं निकल पाता है तो वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। गाइज डिप्रेशन, आपको एक चीज समझनी चाहिए कि अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, अभी नहीं तो कल जरूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा। सो गाइज अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, आप उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट में लिख सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, मैं एडवाइस दे दूंगी, हेल्प कर दूंगी, लेकिन गाइज टेंशन में डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है गाइज, ये तो थे लाइक मैंने कंप्लीट कर दिया है अभी, अब नेक्स्ट कल फ्राइडे है, सो विल लुक इन टू दैट, और मैं कोशिश कर, आप सजेस्ट करो सो दैट, क्योंकि वैसे भी कंटेंट कल फ्राइडे है, वीकडे ही है, तो मैं कंटेंट रात में ही अपलोड करूंगी, जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह करूंगी, सो आई विल ट्राई कि आप लोग सजेस्ट करो, तब तक पूरा दिन है तो मैं देखती हूँ उसी अकॉर्डिंग किस तरीके का कंटेंट अपलोड करना है। टिल देन गाइज, और कोई सजेशंस है तो प्रोवाइड करो, टिल देन बाय बाय।